इसके लिए हम जो कलर लिया है इस कलर से हम बनाएंगे सॉक्स लेडीज बहुत ही डिज़ाइनर है और अच्छी है और बहुत जल्दी बनने वाली है तो इसके लिए हम फंदे डालेंगे सिंपल ऐसे दो पीस लेके जितने फंदे डालने हैं हमने फिफ्टी फाइव फंदे डालने हैं ऐसे और पांच और छह नंबर वालों की ये जूता आ जाएगा देखिए ऐसे सिंपल फंदे डालने हैं उसके बाद हमने 55 फंदे डाल के उल्टा उल्टा बुनना है इधर से भी उल्टा राइट साइड से भी उल्टा तो हम आपको दिखाते हैं हमने बुन रखा है फंदे ऐसे डालने हैं फिफ्टी फाइव जी देखिए फ्रेंड हमने फिफ्टी फाइव फंदे डाले थे फिफ्टी फाइव फंदे डाल के हमने सीधी उल्टी साइड से उल्टा बुना पूरा पूरी सिलाई उल्टी बुनी है फिर हमने सीधी तरफ से भी उल्टी सिलाई बुनी है तो टोटल फिफ्टी फाइव फंदे हैं आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं कितने हैं ठीक है हम लिख भी देंगे तो फिफ्टी फाइव फंदे लिए हैं अब हमने इसको जो हमारा ये फर्स्ट फंदा होता है हमने नौ नंबर पे इसको बुनना है फर्स्ट फंदा है ना सीधा इसको अपनी तरफ किया और उल्टा उल्टा बुना तो फर्स्ट फंदा जैसे डायरेक्शन में होता है वैसे उतार के बाकी जो बुनना है वो उल्टा है तो उल्टा बुनिए सीधा है तो सीधा बुनिए लेकिन जब हम फंदा उतारते हैं उसके साथ में चेन बनेगी जो कि हमारी सॉक्स की लुक बहुत अच्छी कर देगी तो ऐसे हमने बुनते हुए जाना है सॉरी उल्टा उल्टा बुनना है इधर से भी उल्टा बैक साइड से भी उल्टा तो उल्टा बुनते बुनते हम इसकी सात आठ लाइनें बुनेंगे उसके बाद फिर हम कलर लगाएंगे इसमें अलग अलग जो आपके पास बचे हुए कलर हैं जैसे आप कुछ बुनते हैं डार्क कलर बच जाते हैं वो इसमें आप लगा सकते हैं और उसी से आगे फिर इसी कलर से बुनना है तो बहुत अच्छी सॉक्स बन के आएगी और एक ही दिन में दोनों पैर बन जाएंगे और आप पहन सकते हैं गिफ्ट कर सकते हैं बड़ों को बहुत प्यारी बनेगी ये सॉक्स जूती बूटी जो भी कहना है आप कह सकते हैं जे देखिए फ्रेंड हमने ए फिफ्टी फाइव बंदे डालकर इसकी लाइनें बुनी है एक दो तीन चार पांच छ सात आठ आठ लाइनें बुनी है आठ बुन जो है इसकी लेंथ हम आपको बता देते हैं डेढ़ इंच बनती है डेढ़ इंच बुनने के बाद आप उल्टी उल्टी सिलाइया बुन रहे हैं तो बैक साइड से कलर लगाएंगे कलर कोई भी आपके पास बचा हुआ वूल है वो ही लगाना है आपने कोई कम्बिनेशन ला के नए कलर लाने की जरूरत नहीं है हमारे पास ये बचे हुए दिखे कलर हैं ये कुछ बुना था उसमें से बचा है जे भी बचा हुआ है वूल जे भी बची हुई है तो ऐसे हमने बची हुई वूल से कम्बिनेशन बनाना है ऐसे पहले हम लगाएंगे ऑरेंज कलर ऑरेंज कलर जब लगाएंगे तो इसके साथ अटैच कर लेंगे और हम पूरी उल्टी उल्टी सिलाई बनाकर इसको कंप्लीट करेंगे ऐसे चाहे बाइंड कर लीजिए चाहे आप ऐसे बैक साइड है तो बीच में ऐसे पीस देते जाइए तो ऐसे हम पूरी सिलाई बना लेंगे और बहुत ही सुंदर सा सुंदर सी चार सिलाईया बनाएंगे एक सिलाई तो हमारी ये बन रही है दूसरी फिर उधर से उल्टी बनाएंगे तो ऐसे हम ये पूरी सिलाई बनाकर कंप्लीट करेंगे ये देखिए फ्रेंड बैक साइड से हमने कलर लगाया था सिलाई पूरी बना ली है अब राइट साइड में है और जहाँ हम उल्टी सिलाई बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा क्योंकि ये लाइन एक उल्टी सी हमें दिखनी शुरू हो जाएगी ऐसे बुनते बुनते ये देखिए ये सेकंड सिलाई है तो ऐसी हमने फिर उल्टी फिर उल्टी चार सिलाइयाँ बनाकर दो लाइनें बनानी है ये देखिए फ्रेंड हमने दो सिलाई और बना ली है मतलब चार सिलाई एक लाइन दो लाइन आठ लाइन नीचे है दो लाइनें है अब हम फिर यही कलर लगाएंगे इस कलर को हम छोड़ देंगे इस कलर को नहीं लगाएंगे काट देंगे जितना बना है और आगे हम इस कलर से बेसिक कलर से फिर उल्टी सिलाई पूरी बनाएंगे और इसकी दो ही सिलाई बनाएंगे ये जो हम बना रहे हैं ना ये ये दो सिलाई बनाएंगे एक उल्टी फिर इधर से उल्टी इस पीस को हम काट देंगे काट कर हम साथ में बाइंड कर लेंगे है ना तो इस पीस का कोई वो नहीं है जब वापस आएंगे तो बाइंड कर लेंगे तो ऐसे करके हमने ये पूरी सिलाई बनानी है एक और राइट साइड से उल्टी सिलाई बनानी है देखिए उल्टी सिलाई बन गई है अब इधर से हमने उल्टी सिलाई बनानी है अगर आप सीधा सीधा बुनना चाहें तो फिर राइट साइड सीधी साइड से थ्रेड लगेगा हम उल्टा उल्टा बनाते हैं तो उल्टी साइड से थ्रेड लगता है बस यही जो मेरी बहनें जहाँ बेटियाँ बनाना चाहती हैं ऐसे वो उल्टी ए, सीधा सीधा भी बना सकती हैं हर सीधी सिलाई उल्टी सिलाई हमें थोड़ी सी आसान लगती है बुननी फटाफट बुनी जाती है इसलिए हम बुनते हैं ये देखिए चेन कितनी सुंदर साथ में आ रही है तो ऐसे आपने ये दो सिलाइयाँ बनानी है फिर दो सिलाई का कलर ये लगाएंगे चार सिलाई का फिर चार सिलाई का जी तो ऐसे हम जहाँ पे रख लेते हैं इसको फिर लगाएंगे देखिए फ्रेंड एक लाइन बन गई है अब हम चार सिलाई इस कलर की लगाएंगे तो इसको भी हम ओपन कर लेंगे देखिए ये बची हुई वूल है हमने कोई नई वूल नहीं, नहीं लेके आए कुछ बुना हुआ था उसी में से ले ली है उसको हम खोल के लगा लेंगे तो हम इसी के साथ जो हमारा ऑरेंज कलर था उसी के साथ हम इसको बाइंड कर लेंगे ऐसे बाइंड कर ली अब हम एक फंदा तो सीधा इसी कलर का बुनेंगे जिस कलर से हम बुनते आ रहे हैं और अपनी तरफ थ्रेड करके फिर थ्रेड इधर रख कर फिर हम इस कलर से बुनेंगे इस कलर को हम बीच में रख लेंगे ऐसे और इस कलर से बुनते जाएंगे तो इस कलर को आप काट भी सकते हैं बीच में दबा भी सकते हैं ऐसे ठीक है थोड़ा सा हम बुन के आपको दिखाते हैं तो इस कलर से हमने पूरी सिलाई बनानी है और चार सिलाई बनानी है जी देखिए फ्रेंड हमने ये भी दो सिलाई बना ली है एक सिलाई बनाई है आप दूसरी बनाएंगे तो चार सिलाइयाँ बनाएंगे एक दो इस कलर की दो लाइने तो जहां हम देखिए फंदा उतारते हैं चेन के लिए तो सीधा चेन के लिए उतारेंगे सीधा और फिर अपनी तरफ करके उल्टा उल्टा कई मेरे व्यूअर्स कहते हैं कि हमारे से चेन नहीं बनती जिस डायरेक्शन में आपने उल्टा फंदा बुना है अगर इधर उल्टा बुना है तो इधर आपने सीधा फंदा स्लिप करना है तो ऐसे फिर बन जाएगी चेन हर बार ध्यान रखना है आपने ये देखिए फ्रेंड हमने ये भी दो लाइने बना दी है।, है अब फिर हम इस कलर की जो बेसिक कलर है उसी की लाइन बनाएंगे पहले हम इसी कलर में स्टेप में इसको सीधा फंदा उतारेंगे फिर हम उल्टा फंदा बुनेंगे तो इसको इधर रख लेंगे और इससे फिर हम बुनाई करेंगे ऐसे। तो दो सिलाई हम इस कलर की बनाएंगे इसको हम फिर काट देंगे क्योंकि इसको हमने दूसरी सॉक्स में भी यूज करना है तो जितना हम बाइंड करना चाहते उतना छोड़कर बाकी काट देंगे तो ये भी कलर हमारे से खत्म हो गया फिनिश कर दिया है हमने अब हम ए वाला कलर आगे लगाएंगे पहले हमें दो सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद हम उस कलर से भी बुनेंगे तो बड़ा प्यारे प्यारे कलर हैं आपके पास भी बची हुई वूल होगी मुझे उम्मीद है अगर नहीं है तो सिर्फ आपने पाँच पाँच ग्राम ऊन लेनी है अगर यही कलर डालना है सेम तो पाँच 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 ग्राम पाँच ग्राम और एक के पाँच ग्राम थोड़ी थोड़ी वूल लेनी है जी देखिए फ्रेंड एक कलर दो है ना अब एक और कलर डालेंगे तो जो हमने छोड़ा था इसी के साथ हम बाइंड कर लेंगे जहाँ हम काटा था ना उसी के साथ बाइंड करेंगे बाइंड करके अब इस कलर को लगाएंगे इस कलर को लगाएंगे तो इसको हमने सीधा ही बुनना है फंदा स्लिप करना है फर्स्ट वाला फिर थ्रेड अपनी तरफ करके अब इसको इधर रखेंगे और ए वाला कलर यूज करेंगे ऐसे ठीक है बाकी जो कलर हैं वो हम बीच में ही कवर कर लेंगे क्योंकि सिलाई में जब आते हैं तो इतने अच्छे नहीं लगते तो जहाँ रखेंगे और इनको भी कवर कर देंगे ऐसे साथ, साथ। ऐसे तो इस कलर से बेसिक यही है बेसिकली एक इस कलर से हमने बुनना स्टार्ट करना है चार सिलाई जैसी हमने जे बनाई है दो दो ऐसे ही सेम जे देखिए है ना आठ आठ लाइनों के बाद दो लाइनें एक लाइन दो लाइनें एक लाइन और इसकी भी दो लाइनें आएंगी तो सीधा फंदा स्लिप करेंगे थ्रेड अपनी तरफ करेंगे और उल्टा उल्टा बुनेंगे तो ये हमारी येलो कलर की सेकंड सिलाई है ऐसे ही दो सिलाई और बनाकर हम कंप्लीट करेंगे ये देखिए फ्रेंड हमारी ये दो दो लाइनें बन गई है बीच में एक लाइन जे उल्टी बनी है के तो ये बेसिकली सिलाइया है चार दो छ फिर बारह और छ अठारह ऐसे हमने आगे जो दो लाइनें बनाएंगी उसके उसको डाल के ठारा है तो जैसे हमने आपको बताया था कि डेढ़ इंच का हमने जी बुना है नीचे और ऊपर देखिए ऊपर भी डेढ़ इंच का बन गया है ठीक है डेढ़ डेढ़ तीन इंच हो गया है हमारा टोटल अब हमने ऐसी लाइनें बनानी है जे आठ लाइनें हैं सोलह सिलाई हमने क्या करना है चौदह सिलाई बनानी है तो हमें फिर इस कलर को भी हटा देंगे और इससे बुनेंगे ऐसे तो इस कलर को हटाकर फोर्टीन सिलाइया बनाएंगे जब इसको हटाएंगे तो इसको अब हम इसी के साथ बाइंड कर देंगे ऐसे बाइंड कर दिया और आगे आके अब बुनते जाएंगे बहुत ही आसान इसको बिगनर भी बना सकते हैं जो मेरी बहने अभी बुनना सीखी हैं वो सीधा सीधा बुन के या उल्टा उल्टा बुन के इसको कवर कर लेंगी और एक ही दिन में पूरा सेट सॉक्स का बनाकर रेडी कर लेंगी तो हमने जैसे एक सिलाई बनाई है फिर दूसरी ऐसे हमने फोरटीन चौदह सिलाइया बनानी है एक दो तीन चार पांच छ सात लाइने बनानी है उसके बाद हमने इसकी कटिंग करनी है सॉक्स की कैसे करेंगे वो आपको बता देंगे तो पहले हम तीन इंच डेढ़ इंच और बुन ले डेढ़ इंच जे है डेढ़ इंच जे है डेढ़ इंच और बुनेंगे और हमारा तीन चार साढ़े चार इंच इसकी लेंथ हो जाएगी उसके बाद कटिंग करेंगे तो पहले हम ये बना लें फिर हम कटिंग करके आपको दिखाएंगे ये देखिए फ्रेंड हमने ये पार्ट बुन लिया है और हमने इसका क्या किया है आठ इसको हाफ किया है फिफ्टी फाइव फंदे हैं तो हमने ट्वेंटी सेवन फंदे इधर रखे हैं ट्वेंटी एट फंदे हमने कम कर दिए हैं जहाँ पे ट्वेंटी एट और ट्वेंटी सेवन इधर रखे हैं और जो ये है हमने कितनी सिलाइयों के बाद दो चार छ सात सात लाइने बुनी चौदह सिलाई और राइट साइड से आकर हमने दो का एक दो का एक किया और फिर हमने ट्वेंटी सेवन फंदों को सीधा ही बुन लिया है और जो ये सेवन लाइन जे थी ट्वेंटी लाइन आगे हैं तो ट्वेंटी सेवन लाइन ट्वेंटी नाइन सेवन हम आपको बता देते हैं दो चार छ आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह बीस बाईस चौबीस छब्बीस सताई ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन लाइन हमने आगे बना दी है टोटल जहां से लेके यहां तक तो हम इसकी लेंथ भी आपको बता देते हैं कई मेरी बहनों की जो वूल है वो थोड़ी पतली है तो वो थोड़ा ज्यादा बुन ले जो मोटी वूल है तो एक इंच कम बोल ले और अगर पतली बोल है तो एक, एक इंच ज्यादा बोल रहे तो हमने जहां से जहां तक जो हमने की है वो पांच इंच है ये देखिए आपको तो दिखाते हैं जहां से लेके जहां तक ये पांच इंच हमने बुना है आगे फिर हमने उतना ही बुनना है जितना इसमें बुना है इसकी लेंथ ऐसे बराबर आनी चाहिए उस हिसाब से हमारी इतनी ही लाइनें आई हैं तो ये देखिए पांच इंच आगे हमने बुन लिया है पांच इंच आगे बुना है पांच इंच ही नीचे है दो 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 बीच में से सेंटीमीटर कम है तो ऐसे आपने अपने पैर के आपने क्या करना है इतना ही बुन लेना है ऐसे डबल करके देखना है और इतना ही बुन लेना है इतनी सिलाइयों के बाद अब जैसे जे हम जब सिलेंगे ऐसे है ना तो इसका जे राइट पैर आएगा हम्म फिर हमने दूसरे पैर को भी ऐसे ही बनाना है दूसरे पैर को ऐसे ही हमने बनाया जो देखिए हमने दूसरा पैर सेम बना लिया है अब हमने जहाँ से कटिंग की है और इसकी जो कटिंग है वो जहाँ से करनी है तो जहाँ तो जब हमारी सात लाइनें आई दो चार छ सात तो हमने बाइंड कर दिया बैक साइड से बुनी तो राइट सब जब, जब दो चार छः सात आठवीं सिलाई बनानी थी हमने लाइन तो हमने ट्वेंटी एट बंदे बंद कर दिए अब जब हम पैर ऐसे रखेंगे है ना तो उसके पैर को भी हम इधर से कटिंग करेंगे इधर से ही नहीं राइट साइड से नहीं करेंगे बैक साइड से करेंगे इसके लिए भी हमने सात सिलाई बना ली है लाइनें बना ली है एक दो तीन चार पांच छ सात देखिए टोटल इतनी ही इतनी लाइन है। लेकिन एक पैर की हमने इधर से कटिंग की अब लेफ्ट पैर की हम इधर से करेंगे तो बैक में आ जाएंगे सात लाइने बुनने के बाद अब हम जहां पे भी ट्वेंटी एट फंदे बाइंड करेंगे तो हम बैक साइड से दो का, दो का एक किया फिर दो का एक किया फिर दो का एक तो ऐसे करते करते ट्वेंटी एट फंदे हम कम कर देंगे देखिए, ऐसे चेन आएगी जैसे इधर आई है ना इधर भी आई है सेम ऐसे लेकिन इसको राइट साइड से बंद किया इसको बैक साइड से ये आपने ध्यान रखना है तभी ये दोनों पैरों का डिजाइन बहुत सुंदर बन के आएगा जी देखिए ऐसे बाइंड करना है जी देखिए ये रेडी है इसके साथ हम इसको रखेंगे दूसरे पैर को है ना राइट तो लेफ्ट तो इसके हमने 28 फंदे इसके भी बाइंड कर दिए बैक साइड से इधर राइट साइड से बैक साइड से अब ये 27 फंदे हैं इन 27 फंदों को हम इसी तरीके से बुनेंगे तो हमारी ये देखिए 2 4 6 सात लाइनें चौदह सिलाई बन चुकी है आगे हम ट्वेंटी लाइनें ऐसी लाइनें उल्टी उल्टी ट्वेंटी बुनेंगे फोर्टी सिलाई तो इसके बराबर बुनकर हम इसको फिर बाइंड कर देंगे ठीक है इसको हम बुन के बाइंड करेंगे फिर उसके बाद सिलाई करेंगे तो हम इसको घटाते हुए आ रहे थे तो ये फंदा हमारा पास है बुना हुआ आगे हम सिंपल बुन लेंगे सिंपल बुनते बुनते फिर हम इतने फंदों को ही 27 को ही बार बार बुनेंगे, जो कि हमारी 20 लाइनें उल्टी उल्टी और आ जाएंगी और ये बनकर रेडी हो जाएगी बहुत आसान है इसको बिगनर भी बना सकते हैं बस इन्हीं फंदों को बार बार बुनना है सीधा फंदा स्लिप किया थ्रेड अपनी तरफ उल्टा ऐसे बिगनर अगर सीधी सीधी सिलाई बनाना चाहते हैं तो वो सीधी सीधी सिलाई भी बनाएंगे डिजाइन ऐसे ही बन के आएगा उल्टा उल्टी लाइनें ही दिखेंगी बस उसमें यह है कि जो एक कलर लगाना है वो राइट साइड से लगाना है इधर उल्टा उल्टा बुनते हैं तो बैक साइड से कलर को यूज करते हैं बस ऐसा बुन लीजिए दोनों तो पैरों का ये देखिए फ्रेंड हमने ए पीस बुन लिया है ट्वेंटी सेवन लाइने हैं दो चार छ आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह बीस बाईस चौबीस छब्बीस सताई ट्वेंटी सेवन लाइने हैं और जब हमें बुन लेंगे तो ए बराबर आना चाहिए जो हमें सिलेंगे ना इसको बराबर पैर ऐसे ही पैर की जूती ये बन गई है अब ट्वेंटी सेवन लाइने उल्टी उल्टी दिखती हैं और इसको अब हम बैक साइड से बाइंड कर देंगे ऐसे दो का एक फिर दो का एक फिर दो का एक तो ऐसे ये बाइंड हो जाएगा फिर हम इसकी सिलाई करनी है तो आसानी हो जाएगी जी देखिए फ्रेंड अब हम ये जो पैर अब हमारा बन चुका है इसको इसके साथ मिलाएंगे ऊपर से पैर डालेंगे और नीचे से इसकी सिलाई करेंगे अब हमने क्या करना है इसको और इसको दोनों को मिलाकर सिलाई करनी है बैक की जैसे हमने इसमें की है बैक की सिलाई और उसके बाद हमने इधर की सिलाई करनी है आपस में मिलाते हुए जहां को जहां से मिलाएंगे आपस में थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज होती है लेकिन चेन के अंदर से सिलाई करते हुए जब हम एंड में आ जाएंगे तो पांच चेन एक दो तीन चार पांच पांच चेन इधर से लेंगे एक दो तीन चार पांच इधर से है ना इतनी इसको गलाई देनी है तो इसको गलाई देने के लिए हम क्या करते हैं हम सुई में डालकर इन लाइनों पांचों को एक दो तीन चार और पाँच पांच, पांच लाइनें ले ली इधर से भी पांच एक दो तीन चार पांच तो पांचों लाइनों को जब हम ऐसे डालेंगे तो हम आपको दिखाते हैं कि उसकी गुलाई कैसे आएगी वो गुलाई हम सिल, सिल कर भी आपको दिखा देंगे जब इसकी गुलाई करेंगे सिलते सिलते तो ऐसी खींच कर रखेंगे तो ऐसी गुलाई आएगी आगे से हम सिलाई करना स्टार्ट कर देंगे ठीक है ऐसी ऐसी गुलाई आएगी फिर इसको तो इसको आपस में सिलना है सिलकर फिर इसका पैर बहुत अच्छे से बन जाएगा तो हम आपको दिखाते हैं सिली हुई सिल के ये देखिए हमने सिली है और नीचे का जो पैर हम बता रहे थे जो देखिए कितनी अच्छी गुलाई आई है पैर के नीचे ये अंगूठे के नीचे आएगी जब पहनेंगे ना तो इसके नीचे आएगी तो ऐसे ये गुलाई आनी शुरू हो जाएगी और हम इसको सिल लेंगे ये पीस बुन लिया है ट्वेंटी सेवन लैन, हैं लाइने है दो चार छ आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह बीस बाईस चौबीस छब्बीस ट्वेंटी सेवन लाइने है और जब हम बुन लेंगे तो ये बराबर आना चाहिए जो हमें सिलेंगे ना इसको बराबर पैर ऐसे ही पैर की जूती ये बन गई है अब ट्वेंटी सेवन लाइने उल्टी उल्टी दिखती हैं और इसको अब हम बैक साइड से बाइंड कर देंगे ऐसे दो का एक फिर दो का एक फिर दो का, एक, फिर दो का एक तो ऐसे ये बाइंड हो जाएगा फिर हम इसकी सिलाई करनी है तो आसानी हो जाएगी ऐसे बाइंड ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਲਾ ਕਿਹੜਾ ਆਹ ਕਿਉਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਬਦ ਕਰਨੇ ਕਹੋ ਅੱਛਾ ਫੇਰ ਲੈਣਾ ਇਹ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ ਦੋ 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 ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਜੀਆਂ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਬਸ ਫੋਟੋ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰਭ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪਾਉਣੇ ਨੇ ਪਾਓ ਉਹਦੇ ਦੇ ਉਹ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾ ਲਿਓ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਣਾ ਲਾ ਬਣਾ ਲਾ देखिए फ्रेंड हमने बनाकर कर दिया है रेडी और नीचे की सिलाई हमने गुलाई में की है है ना थोड़े से फंदे आपको बताए थे बाकी ये सीधी सिलाई है सीधी सिलाई करके बैक की सिलाई है बैक की सिलाई करने के बाद इसको पैर में पहनिए है और बहुत अच्छी फिटिंग आएगी और ये छे सात नंबर वालों को पांच नंबर वालों को बड़े अच्छे से आती है अगर इससे बड़ी बनानी है तो आपने पांच फंदे इसमें एक्स्ट्रा डालने हैं और ये जो लेंथ है ना जहां से लेके जहां तक जहां से, वो थोड़ी सी ज्यादा बनानी है हमने जहां से स्टार्ट किया था ना जहां से तो ये लेंथ थोड़ी सी आपने लाइने जैसे बढ़ा लेनी है और ये डिजाइन इतना ही डालना है और आगे फिर आपने थोड़ी सी लाइनें ज्यादा बुन लेनी है बस ऐसे ही आप बुनते जाइए बड़ी बन जाएगी अगर छोटी बनानी है तो आपने जो ए एड़ी से फंदे लिए थे ना हमने जे आपने पांच फंदे कम लेने हैं जो हमने बताए है ना फिफ्टी फाइव फंदे उसमें से पांच फिफ्टी ले लीजिए अगर और छोटी बनानी है तो फोर्टी फाइव फंदे ले लीजिए और बनकर ये पैर इतना कमाल का आएगा ना आप देखते रह जाओगे क्योंकि जब बन जाती है तो लगती बहुत सुंदर है और राइट साइड का पैर है और लेफ्ट साइड का पैर उसकी भी डायरेक्शन हमने बता दी है आपको वो ऐसे आएगी इसमें ये देखिए अभी हमने इसको पैर में नहीं डाला है तो जे ऐसी बन के आएगी लेफ्ट साइड की ठीक है ऐसे बहुत सुंदर लगती है राइट और लेफ्ट और इसकी कटिंग भी थोड़ी सी अलग है जैसे ये ऐसे कटिंग की थी उसकी भी इधर से कटिंग करनी है तो वो हमने वीडियो में पूरा बता रखा है तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझा गया होगा अगर आ गया है तो आप इसको फटाफट बना लीजिए मिलते हैं किसी अच्छे प्रोजेक्ट के साथ किसी अच्छे डिजाइन के साथ तब तक बाय टेक केयर